अगर मैं आपको बताऊं कि क्या बोलते हैं क्रेटर्स कौन होते हैं, तो क्रेटर ऐसे पर्सन होते हैं जिनसे हमने सामान ले लिया होता है, अभी हमने उनको पैसा नहीं दिया होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्रेटर्स ऐसे पर्सन होते हैं जिनसे हमने सामान ले लिया होता है पर अभी तक हमने उनको पैसा नहीं दिया होता है। तो देखिए, अब आपके कुछ और वर्ड्स हम दे रखे हैं यहाँ पे, बिल्स पेबल, बैंक लोन, डिबेंचर, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते और अच्छी बात है, अभी मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा। अगला आता है आपका रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली जो आपके रिसिप्ट्स का मतलब होता है कि ये आपका एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन? कि आपने इतना पैसा इतने लोगों से लेना है, ठीक है, आपको इतना पैसा इतने लोगों से लेना है, ठीक है, या तो आपने इतने लोग से इतना पैसा ले लिया है और इतने लोग से अभी इतना पैसा लेना आपका बाकी है। आपने कोई सामान बेचा है, ठीक है, और उसमें जितना पैसा मिल गया है वो भी आप रिकॉर्ड करते हो, और जितना पैसा मिलना है, ठीक है, वो भी आप उस रिसिप्ट पर रिकॉर्ड करते हो, और वो रिकॉर्ड आपको बताता है कि इतना पैसा हमें मिल गया है और इतना पैसा हमें आने वाले समय पे मिलना है। तो रिसिप्ट को अगर मैं डिफाइन करता हूँ, मैं कह सकता हूँ एक डॉक्यूमेंट है जो कि इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है अबाउट द अर्निंग, ठीक है, अबाउट द पेमेंट जो हमें रिसीव करनी है, ठीक है, जो पेमेंट हमें मिलनी है उसका जो इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटेन करता है। अब देखिए, रिसिप्ट आपकी बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं एक जूता बना के बेचता हूँ, ठीक है। अब जब मैं जूता बना के बेच रहा हूँ, ठीक है, जो मैं जूता बना के बेच रहा हूँ वो मेरा डेली का काम है, बिजनेस ऑपरेशन। मैं जूता बेचता हूँ तो मेरा डेली का काम है जूते को बेचना। तो मैं जूता बना के जो बेच रहा हूँ, जो मेरी इनकम जूता बेचने से होती है, समझिएगा, जो इन्फॉर्मेशन, जो इनकम मेरी जूता बेचने से होती है वो मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाती है। यानी कि जो भी मैं पैसा जूता बेच के कमा रहा हूँ मेरे रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा, ठीक है। और आपका कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? जो कि जूता बेचने के अलावा अगर मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं, अब मेरे पास दो दुकानें थीं, एक मेरे पास एक्स्ट्रा दुकान थी तो मैंने उसको बेच दिया तो मेरा कैपिटल रिसिप्ट में आ गया। मैंने कोई लैंड बेच दिया वो मेरा कैपिटल रिसिप्ट में आ गया, ठीक है। जो फिक्स्ड एसेट्स को बेचने में, फिक्स्ड एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं बिजनेस के जो कि आपके क्या कहते हैं लंबे समय तक के लिए बिजनेस में रहते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन। तो जो मैं फिक्स्ड एसेट्स को बेच के जो मैं अर्निंग करता हूँ वो मेरी कैपिटल रिसिप्ट में आती है। याद रखिएगा, जो मैं फिक्स्ड एसेट्स को बेच के अर्निंग करता हूँ मेरी कैपिटल रिसिप्ट में आती है, और जो मैं बिजनेस का जो क्या बोलते हैं सेल्स जो मैं करता हूँ, बिजनेस का जो मैं सेल करता हूँ, जो सेल्स करके मैं पैसा कमाता हूँ मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। सेल का मतलब जो बिजनेस के सामान होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चीनी बेच रहा हूँ तो अगर मेरी क्या कहते हैं चीनी की दुकान है तो मैं चीनी बेच के जो पैसा कमाता हूँ मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है, और वहीं मैं बिल्डिंग बेच, चीनी की जो दुकान है वो बेच के जो पैसा कमाऊँगा वो मेरा कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। याद रखिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कम आपकी डे टू डे होती है, मतलब डेली आप रेवेन्यू रिसिप्ट से पैसा कमाते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट कहीं साल में एक बार या छः महीने में एक बार या कभी कभार ही होता है, ठीक है। याद रखिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से जो आप पैसा अर्न करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स को बेच के पैसा पा जाते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू एज वेल एज इज नोन एज एक्सपेंसेस। यानी कि पैसा कमाने के लिए जो भी खर्चा किया गया है बिजनेस में वो आपका एक्सपेंसेस कहलाता है। याद रखिएगा, जो भी आपके बिजनेस में अर्निंग करने के लिए जो भी पैसा खर्चा किया गया है वो आपका एक्सपेंसेस कहलाता है। अब चीनी बनाने के लिए मुझे गन्ना खरीदना पड़ेगा, मुझे मशीन खरीदनी पड़ेगी, तो ये मेरा बिजनेस का एक्सपेंस है। जो गन्ना है वो एक्सपेंस है क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल हो गया, मशीन की मुझे ज़रूरत है, मुझे जो लेबर है उनको चार्ज देना है, तो ये सारे मेरे एक्सपेंसेस है चीनी बनाने के लिए। याद रखिएगा, एक्सपेंसेस का मतलब जो मैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या बिजनेस को करने के लिए जो मैं पैसे खर्च करता हूँ वो मेरे क्या कहलाते हैं, एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, रेंट हो गया, आप कोई उधार, मतलब कहीं पे आप क्या कहते हैं दुकान डालने के लिए कुछ उधार, जमीन उधार पे लेके रखे हुए हैं या बिल्डिंग उधार पे ले रखे हुए हैं। वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी, जो वर्कर आपके वहाँ काम कर रहे हैं उनको जो पैसा देते हैं वो वेजेस कहलाते हैं। अगला आता है सैलरी का मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप पैसा दे रहे हैं। इंटरेस्ट मतलब आपने कोई बैंक लोन ले रखा है आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके एक्सपेंसेस में काउंट कर ली जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर को अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ अमाउंट स्पेंट टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड एक्सपेंड। अरे रुक जाइए,